टू आर्जर क्लासेस और आज हम लोग 5B का फिर से एक्सरसाइज करने वाले हैं। देखो 1 एंड 2 हम लोग कर लिया था, सिंपल जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन था। थर्ड का देखो 3 का वन नंबर, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस वन 5/16 टू गेट वन होल 3/8। मतलब 5/16 में ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करोगे तो वन होल 3/8 आपके पास आंसर मिलेगा। जब भी इस तरह का कुछ भी आपको दिख जाए, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, एडेड वाला जब भी बात आ जाए, तो जो आपके पास सेकेंड नंबर है उससे क्या करना, फर्स्ट नंबर को माइनस कर देना। अगर देखो अलजेब्रा में होता हम लोग लेट कर लेते उसके बाद आंसर फाइंड करते, बट यहाँ पे हम लोग सिंपल तरीके से कर लेना। आप डायरेक्ट लिखते हुए रिक्वायर्ड नंबर क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू या रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू वन होल 3/8 माइनस कितना 5/16, ये आपने लिख दिया। सॉल्व करो इसको, 8 एंड 3 कितना जाएगा 11/8 माइनस 5/16। एलसीएम ले लो फिर, जो काम करते थे 8 एंड 16 का एलसीएम कितना आएगा 16, आप कर लेना यहाँ पे। तो 8 कितनी है 16, तो 8 2 जा, मतलब इसके ऊपर जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 11 2 जा कितना आ गया आपके पास 22 और माइनस 16 1 जा तो जो था वही रहना है, तो आपके पास क्या आ गया 22 माइनस 5 दैट इज 17/16 इक्वल्स टू वन होल 1/16। ये आपके पास क्या हो गया रिक्वायर्ड नंबर। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आ जाओ, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या बोल रहा अच्छी तरह समझना, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टू गेट टू होल 5/13। तो 4 से आप कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि आपका आंसर क्या आ जाए इस तरह से। तो देखो एडेड वाले में क्या बताए थे, सेकेंड वाले से क्या करना, फर्स्ट वाले को माइनस कर देना। लेकिन जब भी ये सब्ट्रैक्टेड वाला मिस आएगी बात, तो फर्स्ट नंबर से फ्रॉम के बाद जो नंबर होगा उससे क्या करना, आपके पास जो वैल्यू मिलेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो आंसर फिर वही हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, क्या लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर फ्रैक्शन जो भी लिखना है, नंबर इक्वल्स टू 4 माइनस 2 होल 5/13, ये आपके पास आ गया। 4 बाय कितना 1, कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, 4/1 माइनस, ठीक कर लेते इसको इम्प्रॉपर में, 13 टू जा 26 एंड 5 कितना आ जाएगा आपके पास 31 और बाय क्या आ गया आपके पास 13। अब आप बोलोगे सर अब तो हमको आता है, तो आता है तो पॉज कर लो, खुद से कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट में आना। 13 हमने ले लिया एलसीएम, 1 एंड 13 का सेम रहना है, 1 कितने जा 13, तो बोलोगे सर 1 13 जा, इसका मतलब ऊपर जो नंबर है उसको 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 13 4 जा कितना आ जाएगा आपके पास 52 माइनस ये जो था तो वही रहना है 31 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 21/13। आप इसको क्या करो मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, ये आपका काम रहेगा मिक्स्ड में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब आते क्या थर्ड नंबर पे, देखो व्हाट नंबर शुड गिव्स 5/6, अच्छी तरह समझ, देखो व्हाट नंबर शुड गिव 5/6 व्हेन 3 होल 7/12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। मतलब आपको एक नंबर खोजना है जिस नंबर से अगर आप 3 होल 7/12 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका आंसर क्या आनी चाहिए 5/6 आना चाहिए। तो देखो ऑल तो हम लोग अरिथमेटिक करते हैं, तो सिंपल लेट करने वाला जितना कम करें उतना कम करेंगे और सिंपल तरीका जितना हो सके उतना करेंगे। तो देखो अभी क्या करना है, नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, आपको मैं समझाता हूँ अलजेब्रा के थ्रू से, लेट करो रिक्वायर्ड नंबर कितना है एक्स, प्रॉपरली समझिएगा कि लेट करो नंबर कितना मेरे पास है एक्स, और एक्स से अगर हमको कितना सब्ट्रैक्ट करना है 3 होल 7/12 और आंसर कितना आएगा मेरे पास 5/6 आया। सो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया 5/6 प्लस 3 होल 7/12। तो हम ये इतना प्रोसेस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्टली सिर्फ इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, क्या लिखेंगे हम रिक्वायर्ड नंबर, क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू। तो जब भी याद रखिए जब भी इस तरह का सम्स आए आप क्या करना दोनों को ऐड कर देना। तीन अलग अलग वैरायटी आपके पास आ गया, पहला में एडेड था, एडेड वाले जब भी बात आई तो सेकेंड वाले से हमने क्या करना फर्स्ट वाले को माइनस करना, मतलब जो आपका आंसर आया था उससे हमने क्या करना है रिक्वायर्ड नंबर को मिस माइनस कर लेना है। सब्ट्रैक्टेड वाली बात जब आई मेरे पास तो जो मेरे पास फ्रॉम के बाद जो नंबर था मतलब फर्स्ट नंबर जो था
उससे हमने क्या किया, रिजल्ट को माइनस कर दिया। और जब हमको इस तरह का सम्स आएगा, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, अपने पास रिक्वायर्ड नंबर निकल आएगा। तो क्या आ गया, 3 whole 7/12 ये आ गया। चलो जरा सा 5/6 + 12 3 जा कितना आ जाएगा, 36 and 7 कितना आ जाएगा आपके पास, 43/12 क्या आ गया, 12। चलो एलसीएम 6 and 12 का एलसीएम कितना आएगा, सर आप जानते हो सर 12 आएगा। अब पॉज करो, खुद से करना है, स्टार्ट करो। 6 2 या 12 मतलब क्या करना होगा, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। और 5 2 जा कितना 10 ठीक है, प्लस 12 कितने जा 1 जा, मतलब जो था वही लिखना है। अब क्या आ गया अपने पास, 43 and + 10 कितना, 53/12। तो ये आपके पास, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ये आपका होमवर्क रहेगा। हर एक में देखो हमने छोड़ दिया है। अब आते हैं क्या, 4 नंबर, देखो 4 का 4 नंबर, अब इसको क्या करनी है, सिंप्लीफाई, एड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों हमको एक संग ही दे दिया। तो ये तो सिंपल फ्रैक्शन में है सारा, करना क्या है, आप बोलोगे सर सबसे पहले ना एलसीएम कर लेते हैं, करते हैं एलसीएम, क्या क्या दिया है, 12 है, 8 है और 16 है। एलसीएम फाइंड करते हैं 4 से, 4 3 जा 4 2 जा एंड 4 4 जा, फिर 2 से 3 जैसा था वैसा अगर 2 1 जा 2 2 जा, चलो अब तो कुछ होना नहीं है, 4 into 2 into 3 into 2 क्या आ गया अपने पास, 4 2 जा 8 8 3 जा 24 and 24 2 जा 48, ये अपने पास क्या हो गया, एलसीएम निकल आया। चलो एलसीएम आ गया तो एलसीएम लिख देते हैं कितने का, 48 ठीक है। 12 देखो 12 कितने जा 48, आप बोलोगे झट से सर 12 4 जा 48, मतलब ऊपर का जो नंबर है उसको कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, सर 4 से, चलो 5 into 4 20 आ गया, लिख देते हैं 20, प्लस 8 कितने जा 48, 8 6 जा 48, मतलब इसके ऊपर के नंबर को आप क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 6 जा कितना आ जाएगा आपके पास, 30 वेरी गुड, माइनस 16 है अपने पास, 16 कितने जा 48, तो हमने बोला 16 3 जा 48, मतलब ऊपर जो नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करनी है, सो 5 into 3 कितना आ जाएगा अपने पास, 15। अब सारे प्लस वाले को हम एक संग प्लस कर लेंगे, माइनस वाले को एक संग, और अगर आप कर पाओ तो आप सिंगल स्टेप में ही सारा कर लेना, सो 30 and 20 कितना आ जाएगा, 50 माइनस कितना, 15/48 इक्वल्स टू 50 - 15 कितना आ जाएगा आपके पास, 35/48। अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आए उस आंसर को आपको क्या करना है, लिख देना है। नेक्स्ट आते क्या, 4 का 6 नंबर, चलो जरा सा यहां से, तो सारा का सारा आपका क्या दिया है, किस में दिया है, ये बोलोगे सर सारा का सारा इम्प्रॉपर में दिया हुआ है, तो इसको पहले करेक्ट करते हैं, सॉरी मिक्स्ड में दिया हुआ है, करेक्ट करते हैं, किस में डालते हैं, इम्प्रॉपर, 3 3 जा 9 और 1 10/3 प्लस 4 9 जा 36 and 1 37/9 माइनस 6 6 जा 36 और 1 37/ कितना जाएगा आपके पास, 6। अब क्या करोगे सर, एलसीएम लेना है, किसका, 3 का लेना है 9 का लेना है और 6 का, ये ले लेते हैं, सो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा, अब क्या करोगे सर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 into 3 into 2 कितना आ गया, 18। तो अपने पास एलसीएम जो आया, एलसीएम कितने का आ गया, 18 आ गया। चलो जरा सा 3 कितने जा 18, बोलोगे सर 3 6 जा, मतलब ऊपर जो नंबर है मेरे पास उसको 6 से मल्टीप्लाई करनी है, 10 into 6 कितना आ गया, 60 प्लस 9 कितने जा 18, बबोलोगे सर 9 2 जा, तो 37 2 जा कितना आ जाएगा, 74 आ गया, सर माइनस था साइन दे दिए, 6 कितने जा 18, आप बोलोगे सर 6 3 जा 18, तो हमने क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, सो 7 3 जा 21 कैरी 2 9 and 2 कितना जाएगा अपने पास, 11 9 and 2 11, ये अपने पास यहां तक तो सॉल्व हो चुका है। चलो जरा सा जो भी प्लस वाले था उसको प्लस कर लेते हैं, तो 7 और 6 कितना जाएगा, 13 134 माइनस 111 बाय क्या आ गया आपके पास, 18।
अब चलो जरा सा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 138 माइनस 111, तो आप बोलोगे सर यहाँ मेरा मिला क्या 23, बाय क्या मिला 18। अब ये जो है आपके पास, इसको आप क्या करना, सॉल्व कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 का 6 नंबर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो जरा सा 4 का 10 नंबर सर वैसा ही करना है, तो चलो सबसे पहले क्या होता है मिक्स्ड इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, पहला तो ठीक ही है 6 by 1 minus 1 4 and 1 5 by 4 minus 2 6 12 and 5 17 by 6 minus 1 by 8। यहां तक ठीक था, अब क्या करना है सर, अब तो एलसीएम करना है, तो अब आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। हर एक बार देखो जब आपको लगे कि आप खुद से ट्राई कर सकते हो तो वीडियो पॉज कर लेना, पॉज करके सम्स कर लेना, उसके बाद फिर से वीडियो रिज्यूम कर लेना। चलो जरा सा एलसीएम लेते हैं, किसका किसका 4, 6 and 8 का, ये आप ओरली भी कर सकते हो, कर सकते हो फिर अच्छा, नहीं कर पाओगे फिर तो आपके पास प्रोसेस है 2 से 2 2 जा 2 3 जा and 2 4 जा again 2 से 2 1 जा 3 and 2 2 जा, मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 2 into 3 into 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12 and 12 2 जा 24। ये अपना क्या हो गया, एलसीएम निकल आया। चलो जरा सा ये हमने क्या किया, एलसीएम लिख दिया, ठीक है। 1 कितने जा 24, आप बोलोगे सर 24 जा, मतलब इसके ऊपर जो नंबर है उसको 24 से मल्टीप्लाई करनी है, कर लेते हैं 6 4 जा 24 कैरी 2 6 2 जा 12 एंड 2 14 144 माइनस 4 कितने जा 24, आप बोलोगे सर 4 6 जा 24, मतलब ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा अपने पास 30 माइनस 6 कितने जा 24, तो आप बोलोगे सर 6 4 जा 24, तो 17 4 जा 68 माइनस 8 कितने जा 24, तो 8 3 जा 24, मतलब इसके ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करनी है, सो 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है, अब आ गया क्या 24, जो नीचे था वो तो रहेगा। अब देखो जितने प्लस वाले हैं उसको एक संग प्लस कर लेंगे, जितने माइनस वाले हैं उसको एक संग प्लस कर लेंगे, फिर जाके सॉल्व करेंगे। तो प्लस में कौन कौन सा, सिर्फ ये है, तो हमने लिख दिया 144 माइनस, माइनस में कौन कौन सा है 30 है 68 है और 3 है। अगर आप जनरली कर पाओ तो ठीक है, और नहीं कर पाओ तो आप क्या करना, ऐसे रफ में क्या करना, तीनों को प्लस कर लेना। सो 30 एंड 68 कितना आ गया 98, 98 एंड 3 कितना आ जाएगा मेरे पास 101, ये आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व करो, 144 माइनस 101 कितना आ जाएगा आपके पास 43 by 24। अब इसको मिक्स्ड में डालना है, जो भी करना है आप यहां से क्या करोगे, खुद सिंप्लीफाई करोगे। अब देखो जरा सर, अब हमको 5 का 2 नंबर पे आते हैं, 4 कंप्लीट आपका, अब इससे ज्यादा वैरायटी है नहीं यहाँ पे। 5 का 2 देखो जरा सर, यहाँ पे पहले देखो इस तरह का जब भी सम्स करेंगे ना, पहले साइन को हम चेक कर लेंगे कहाँ क्या साइन बैठना है। तो यहाँ पे क्या माइनस, इसके बाहर क्या प्लस, तो ये क्या रहेगा -9 by 25, ठीक है। ये प्लस कितना है 4 by 25, बोलोगे सर अब तो पता है हमको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितने का है 25 का, क्या आ गया -9 plus 4 equals to -5 by 25। देखो अब बार बार आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाए थे, तो माइनस मेरा बड़ा है तो माइनस का साइन आया। दूसरा भी देखो मेरा इसी तरह से करना है, क्या करना है पहले साइन चेक कर लेते, 5 by 6 माइनस था 2 4 जा 8 and 1 9 by कितना आ गया मेरे पास 4, और ये प्लस और माइनस देखो यहाँ साइन क्या दिया हुआ है, माइनस का साइन दिया हुआ है, तो प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये आ गया 3 by 5। अब चलो जरा सा अब नेक्स्ट, अब बोलोगे सर अब तो हमको एलसीएम लेना है, एलसीएम किसका किसका लेना है 6 4 और 5 का, ले लो जरा सा 6 ले लिया 4 ले लिया 5 ले लिया, ये ले लो एलसीएम। चलो जरा सा 2 से 2 3 जा 2 2 जा 5, अब तो नहीं होना है, मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 3 into 2 into 5, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 and 12 5 जा 60, ये निकल आया।
चलो जरा सा, ये आ गया 60, 6 की 13 या 60, तो 6 10 या 60, मतलब इसके ऊपर जो नंबर है उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो 10 इंटू 5 क्या आ गया आपके पास 50, माइनस 4 कितने या 60, आप बोलोगे सर 4 15 या 60, मतलब ऊपर जो नंबर है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 15 से, कितना आ जाएगा 135 माइनस, चलो ये भी ठीक है। तो अब आता 5 कितने या 60, आप बोलोगे सर 5 12 या, मतलब ऊपर के नंबर को 12 से, यस, तो 3 इंटू 12 कितना आ जाएगा आपके पास 36। अब चेक कर लो कि मेरे पास माइनस वाला कौन कौन सा है, प्लस वाला कौन कौन सा है, तो प्लस मेरे पास सिर्फ एक है 50, हमने लिख दिया, माइनस मेरे पास दो है 135 भी है 36 भी है, तो दोनों को हम एक संग प्लस कर लेते हैं, सो 135 एंड 36 कितना आ जाएगा 171 आ जाएगा। अब इसको देखो जरा सा, माइनस बड़ा है तो आपके आंसर में साइन क्या आएगा, माइनस का, तो 171 से 50 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आ जाएगा अपने पास 121, और बाय क्या आ गया मेरे पास 60 आ गया। अब इसको जो भी है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जिसमें करना है ये आप घर पे करोगे, तो ये देखो आपका 5B कंप्लीट हो गया।